Mashallah. Mashallah. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, और ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन। एससीईआरटी की बुक्स से स्पेशली बनाया गया है और स्पेशल है यूपी टेट के लिए, और ये है इसका पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट कवर करा चुकी हूँ, आई होप आप सबने वो पार्ट देख लिए होंगे। और क्लास 3 और क्लास 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें है क्लास 4th है, और ये है कि राजगीर क्या होते हैं। देखिए, राजगीर क्या होते हैं, जो घरों को बनाते हैं हमारे वो राजगीर होते हैं, और जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाते हैं वो है हमारी हथौड़े, छेनी, रंधा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा और लेवी। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कर सकते हैं ऑप्शन दे दिए और पूछेंगे राजगीर कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से औजार है हमारे, हथौड़ा है, छेनी है, रंधा है, कन्नी है, सूत है, साकुल है, गुनिया है, पाटा है, पारा है और लेबिल है। और डॉक्टर होते हैं हमारे, वो स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप है उसे क्या करते हैं, दिल की धड़कन सुनते हैं। आप ये देखिए कि स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, दिल की धड़कन सुनी जाती है। रक्तचाप मीटर से रक्त के दबाव को मापा जाता है। स्टॉप वॉच ऑन करके हम हमारी हार्ट बीट यानी हमारी जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसको काउंट करते हैं। वेटिंग मशीन से वेट को काउंट किया जाता है। थर्मामीटर, देखिए जब भी फीवर होता है तो थर्मामीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं हमारा। और पट्टी लगाते हैं, जहां भी हमारी बॉडी में चोट लग जाती है वहां पर हम पट्टी लगाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मोची। मोची क्या करते हैं, देखिए मोची के औजार में क्या होता है, कारबूट, जूता, डेरी झपिया, सिला पिंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रुश, सरोता, ये किसके औजार है, मोची के औजार है। और मोची क्या करता है, मोची बेसिकली हमारे जूते चप्पल वगैरह गांठवाने का काम करते हैं, उनको सिलने का काम, मरम्मत करने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे सफाई कर्मी। तो सफाई कर्मी सफाई जो कचरा हम फैलाते हैं उनकी सफाई करते हैं वो। और क्या क्या औजार यूज करते हैं, ये झाड़ू, तसला, डलिया और बाल्टी का यूज करते हैं। अब स्थानीय मेले की तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, पहनावा, वहां के लोकगीत और लोक नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। क्या होता है, विशेष आकर्षण होता है। और ये मेला दिए हुए हैं कुछ और इनके स्थान है। तो कुंभ का मेला कहाँ लगता है हमारा, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। कहाँ का लगता है, प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है। प्रयाग और हरिद्वार कहाँ है दोनों, और हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन ने नासिक कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में है। उज्जैन मुझे याद नहीं आ रहा कौन से स्टेट में है। तो इन जगह पे ये क्या लगता है हमारा, कुंभ का मेला लगता है। सोनपुर बिहार में पशुओं का मेला लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में ऊंटों का मेला लगता है। नौचंदी मेला हमारा मेरठ में लगता है, और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल के स्रोत क्या क्या है, तो तालाब है, पोखर है, नदी है, ये क्या है हमारे धरातलीय जल के स्रोत है। प्रदूषित जल से क्या हो, जो प्रदूषित जल पीते हैं हम तो उससे क्या क्या हो जाती है, हम कौन कौन सी बीमारियां होती है, काफी इंपोर्टेंट है ये। पीलिया हो जाता है, हेजा, पेचिस, अतिसार, डायरिया या टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, प्रदूषित जल से होते हैं। क्या, पीलिया हो जाता है, हेजा हो जाता है, पेचिस हो जाता है, अतिसार, डायरिया एवं टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट है कि प्रदूषित जल क्या करता है, हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि फसलों की जड़ों में प्रदूषित जल जाएगा और जड़ों से तनों में चला जाता है वो। तो इससे क्या करता है कि फसलों, फलों एवं सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल को कैसे पीना चाहिए, प्रदूषित जल को या तो उसको उबाल कर पीना चाहिए, या फिर उसमें सिंपल सी अशुद्धियां हैं कुछ तो छान कर पीना चाहिए, या फिर उसमें क्लोरीन की दवा डालनी चाहिए, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट भी डालकर उसको पीने के योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कैसे हम घर पे जल को शुद्ध करें। तो देखिए ये एक कीप ले ली इन्होंने, मतलब बकेट है, फिर इसमें से यहाँ से ऐसे ऐसे टपकेगा पानी, इसमें फिर इसमें से इसमें आएगा और इसमें से इसमें आएगा, इसमें इसमें दूषित जल डाल दिया, फिर इसमें क्या है कि यहाँ बजरी डाल दी इन्होंने, तो इसमें से जो मतलब बड़ी बड़ी चीजें है, पॉलीथीन वगैरह है, वो सब यहाँ रह जाएंगी, बाकी के जल इसमें आ जाएगा। तो फिर बजरी में काफी अशुद्धियां बजरी के ऊपर रह जाती है, फिर जब यहाँ आ जाता है और यहाँ इसने बालू और रेत डाली है, और इसमें फिर लास्ट में हमें प्योरिफाइड वाटर मिल जाती है, यानी गंदगी रहित
पानी मिल जाता है। नेक्स्ट है कि अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है। वाष्पन क्या होता है, गर्मियों में आपने देखा होगा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। रीजन क्या है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, और अधिक ताप में क्या होता है जो वेपोराइजेशन होता है, जो कपड़ों में नमी है वो बहुत तेजी से उड़ जाती है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो अधिक ताप में वाष्पन तेजी से होता है और वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। बिल्कुल, वर्षा के दिन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई शुष्क दिन में मॉइस्चर नहीं रहता है, तो शुष्क दिन में जो वाष्पन होता है वो अधिक होता है। वायु की गति होने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। संघनन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा मम्मा दूध गर्म करती है, नीचे ये ऊपर ढक्कन रख दिया तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी ड्रॉपलेट्स रहती है नीचे, और ये संघनन कंडेंसेशन का ही हमारा एग्जाम्पल है कि जलवाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया। जलवाष्प जब वो जो वेपर्स गए हैं वाटर के, वो जब ठंडा होकर द्रव में बदलते हैं तो उस क्रिया को संघनन के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन के द्वारा, क्योंकि जो भी वायुमंडल के वेपर्स होते हैं वो एक लिमिट के ऊपर जाने के बाद ठंडे होते हैं, ड्रॉप्स बनती है, जब बहुत सारे ड्रॉप्स बन जाती है तो फिर बड़ी ड्रॉप बनती है, और फिर कई बड़ी ड्रॉप मिलकर क्लाउड बनाते हैं, और जब क्लाउड ब्रस्ट हो जाते हैं तो हमारी रेन आ जाती है। तो वायुमंडल के वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ताप का प्रभाव पड़ता है, कम ताप पर संघनन अधिक होता है और अधिक ताप पर संघनन कम होता है। बड़े पृष्ठ क्षेत्र पर संघनन हमारा क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, बसों के जो कंडक्टर होते हैं उसको परिचालक कहते हैं। हम आजकल ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं और इसे ई टिकट कहा जाता है, बट ऑनलाइन टिकट के लिए आपको जरूरी है आपके पास कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड हो। रूट मैप क्या होता है, हमारे मानचित्र मार्ग मानचित्र होते हैं, जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं पहले से अपना रूट मैप भी तैयार कर सकती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है ये, और ये बच्चों की जो बस है वो प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठानपुर झूसी से इलाहाबाद की ओर चल रही है, और बस संगम तट से पहले थोड़ा रुकी। संगम क्या है, देखिए गंगा यमुना और सरस्वती नदियां हैं हमारी, कौन सी, गंगा यमुना और सरस्वती नदियां, ये गंगा ये यमुना और ये सरस्वती नदियां, यहाँ जहां मिलती है ये हमारा संगम है। प्रत्येक माह वर्ष में, देखिए माह वर्ष हिंदी के महीने याद होंगे आपको, चैत वैसाख जेठ साठ सावन भादो, माह पो कार्तिक आश्विनी माह पो, तो ये जो माह का महीना होता है यहाँ पे मेला लगता है, तथा छह वर्ष में तो यहाँ पे कुंभ लगता है और बारह वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है, और यही जगह पर अकबर के द्वारा बनवाया गया किला भी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद पार्क है, अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता है, और इस पार्क के आसपास या यहीं पे एक संग्रहालय और सार्वजनिक पुस्तकालय भी है, और ये कहाँ है हमारा, इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में संगम है गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का। आनंद भवन और स्वराज भवन क्या है, आनंद भवन और स्वराज भवन जोहार नक्षत्रशाला, जहां हमने आकाश मंडल में तारों की स्थिति जानकारी प्राप्त की, कहाँ है, इलाहाबाद में है। अभी चलते हैं लखनऊ, तो गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, विधानसभा भवन है यहाँ, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के मंत्री, विधानसभा सदस्य बैठते हैं। रेजिडेंसी रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमाम बाबा वो भूल भुलैया भी बोलते हैं, और इसे अवध के नवाबों ने बनाया, ये इमारतें हैं यहाँ, और यहाँ इसे किसने बनवाया था, अवध के नवाबों ने बनवाया था। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई, जो चिकनकारी कढ़ाई है वो लखनवी नवाबों की है, लखनऊ की जो चिकनकारी कढ़ाई है वो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये शहर अपने नवाबों रेवड़ियों और मुगली पकवानों के लिए जाना जाता है। लखनऊ महोत्सव में बहुत सारे जनपद क्या करते हैं, अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।